लास्ट टॉपिक्स में हमने ब्लॉक डायग्राम को देखा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को देखा, कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर थे कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए। लेकिन जब ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर बहुत सारे फीडबैक पाथ जोड़ दिए जाते हैं या ऐड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको सॉल्व करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकालना है तो आप ब्लॉक डायग्राम की मदद ना लेकर के आप सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद लेते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर सर एस जे मेसन ने एक फॉर्मूला दिया जिसकी मदद से आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप निकाल सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि सिस्टम का गेन निकाल सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं अगर नोड की, तो देखिए जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन दी जाएगी, तो उसके अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, x1, y1, इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो वो वेरिएबल्स जो होंगे वो आपके नोड कहलाएंगे। जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाएंगे तो आप उन वेरिएबल्स को ही एज अ नोड शो करेंगे। अब जब आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम दे दिया जाएगा तो उसके अंदर भी वोल्टेज होगा, करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा, करंट की अलग अलग वैल्यूज होंगी, वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो वो सारे आपके वेरिएबल्स होंगे। वो वेरिएबल्स को आप नोड की तरह शो करेंगे जब भी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाएंगे। तो हम बात करते हैं नोड की। नोड एक वेरिएबल होगा, एवरी एल्जेब्रिक इक्वेशन में होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में होगा, या फिर आपके ब्लॉक डायग्राम्स में दिया होगा। तो मैं नॉर्मली अभी कुछ वेरिएबल्स मान लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया x1, x2, x3 और x4। ये मैंने मान लिया x1, ये मैंने बोला x2, x3 और x4। मैंने चार यहाँ पर वेरिएबल ले लिए। अब हम बात करते हैं इनपुट नोड और सोर्स नोड क्या होता है। तो देखिए इनपुट नोड या सोर्स नोड वो नोड होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ही निकल सकता हो, मतलब जिसके अंदर कुछ और इनपुट नहीं आ रहा हो। जैसे अगर मैं इसको इनपुट नोड बोल दूं और यहाँ पर अगर मैं इस कनेक्शन को इधर की तरफ जोड़ दूं इस सिग्नल को, तो मैं इसको इनपुट नोड नहीं कह सकता फिर, क्योंकि इसके पास भी इनपुट आ रहा है और इससे आउटपुट भी आगे जा रहा है। तो ये आपकी इनपुट नोड कभी हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये आपका इनपुट नोड हो सकता है। तो आप अगर इस तरीके से पाथ को जोड़ते हैं तो ही ये इनपुट नोड कहलाएगा। अगर आप इस तरीके से इस पाथ को कनेक्ट करते हो तो आपका ये इनपुट नोड कहलाएगा। किसी और तरीके से अगर हम यहाँ से इस तरीके से ऐड करते हैं तो आपका ये भी इनपुट नोड कहला सकता है। इनपुट नोड को नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही आउटपुट नोड को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि x1 आपका इनपुट नोड इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ चीज़ें जा रही हैं, ये इनपुट दे रहा है। ऐसे ही आउटपुट नोड की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ आउटपुट ले रहा है, मतलब ये खुद की तरफ लेगा, देगा कुछ भी नहीं, यहाँ से ये इनपुट दे नहीं सकता किसी और को। तो ये ऐसा आपके सिंक नोड या आउटपुट नोड आप इसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोड्स जो हैं वो आकर के सिंक हो रही हो। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद अगर हम पाथ की बात करें तो ये पाथ ही तो है, ये आपने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था। अब पाथ ओपन पाथ भी हो सकता है, क्लोज्ड पाथ भी हो सकता है। तो जैसे ये वाला जो पाथ है ये मेरा ओपन पाथ है। अगर मैं यहाँ पर एक और पाथ बना दूँ इस तरीके से तो ये भी मेरा ओपन पाथ कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जा रहा है। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पर एक फीडबैक पाथ बना दूँ इस तरीके से तो ये मेरा फीडबैक पाथ कहलाएगा, यहाँ से x2 से शुरू हुआ और यहाँ से ख़त्म हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं पाथ गेन की। पाथ गेन क्या होता है? तो सर देखिए जैसे कि यहाँ से आप शुरू हुए, ये आपका वेरिएबल है, ये जो सिग्नल है ना, अब या तो इसका गेन 1 होगा या कुछ और वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है 821। अब ये आपने 821 इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 जो है ना ये 1 पर डिपेंड कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएगी। तो 821 अभी इसका गेन है, हम इतना मान के चलते हैं। सेकंड का जो गेन है वो आप लिखेंगे A32। फिर इसका आप लिखेंगे A, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले को हमने 1 मान लिया, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया है। बाकी आप इसको अगर बोलेंगे तो आप इसको A43 कह सकते हो। फिर हमारे पास आता है ये फीडबैक वाला, तो मैं इसको कहूँगा A23। 23 इसलिए क्योंकि 2 के पास जा रहा है, 3 से आ रहा है, तो आने वाला बाद में होता है। फिर यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे A42। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे A42। इस तरीके से आपने ये गेन लिख दिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि x1, x2, x3, x4
ये जो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इस पाथ का गेन क्या होगा? तो इसका गेन आप लिखेंगे सर ए टू वन इंटू ए थ्री टू इंटू वन, तो अल्टीमेटली आप लिख देंगे ए टू वन इंटू ए थ्री टू, ये आपका गेन हो जाएगा। तो गेन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ दैट पाथ। इस पाथ में जितने भी गेन आ रहे हैं उन सभी का प्रोडक्ट कर दोगे तो ओवरऑल गेन आपको इस पाथ का मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स फोर, एक्स वन, एक्स टू, एक्स फोर का गेन बताओ, तो आप लिखेंगे ए टू वन इंटू ए फोर टू। तो एक्स वन, एक्स टू और एक्स फोर का गेन होगा ए टू वन इंटू ए फोर टू। ये बात क्लियर है? अगर इसका पूछ लिया जाए कि एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स टू का बताओ, तो आपको लिखना होगा सर ए थ्री टू इंटू ए टू थ्री। ये चीज़ क्लियर है, ये पाथ गेन होता है। अब हम बात करते हैं लूप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड पाथ जो होगा जिसमें जिस नोड से शुरू हो रहा है उसी नोड पर अगर आकर के फिनिश हो जाता है तो उसको हम लूप कहेंगे। एक नोड जो है वो दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट का मतलब है कि ये एक्स टू पर शुरू हुआ और वापस आके यहीं खत्म हो गया, ये दोबारा से इधर जा करके वो नहीं आया, मतलब एक्स टू को दो बार क्रॉस नहीं करके गया। तो हमारा एक लूप है, इस पूरे फिगर में अभी तक एक ही लूप मैंने बनाया है, तो इस लूप का जो गेन होगा वो यही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ लूप क्या होता है। देखिए, ये जो हमने लूप देखा इसके अंदर हमने ये देखा कि एक गेन तो ए थ्री टू आ रहा था, एक आ रहा था ए टू थ्री। एक्चुअली ये जो चीज़ है इसको हम ब्रांच कहते हैं, ये जो दो वेरिएबल्स या दो नोड्स के बीच में जो सिग्नल है इसको हम ब्रांच कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ब्रांच गेन। ए टू वन, ए थ्री टू, इनको हम ब्रांच गेन कहते हैं। तो जब दो, एक से ज्यादा ब्रांच जब एनकाउंटर हो रही हो तो उसको हम लूप कहते हैं, और जब एक ही ब्रांच हो किसी लूप में तो उसको हम कहते हैं सेल्फ लूप। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर एक लूप बना दूं और इस लूप का नाम, इसका जो ब्रांच गेन है उसको मैं ए टू टू, क्योंकि टू से शुरू हो रहा है और टू पर ही आके खत्म हो रहा है ये वाली जो ब्रांच है, तो इस ब्रांच को, इस पूरे लूप को मैं सेल्फ लूप का नाम दूंगा, क्योंकि इसी से शुरू हो रहा है, इसी पे खत्म हो रहा है और एक ही ब्रांच एनकाउंटर हो रही है इसके अंदर। तो सेल्फ लूप का गेन भी वही गेन हो जाएगा जो उस ब्रांच का गेन है। या एक सेल्फ लूप में है, यहां पर भी बना देता हूं, इस सेल्फ लूप का मैंने नाम दूंगा ए थ्री थ्री। अब आपसे पूछा जाएगा नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं। तो देखिए, नॉन टचिंग लूप्स का मतलब होता है जिसमें कोई नोड कॉमन ना हो। जैसा कि अगर आप इस लूप की बात करें और इस लूप की बात करें, तो देखिए ये वाली नोड जो है ये इस लूप में नहीं है और इस लूप में है, तो मतलब ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये वाली जो नोड है ये इस लूप में भी है और इस लूप में भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन नोड आ गई, तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते, टच कर रहे हैं। अब हम इस लूप की बात करें और इस लूप की बात करें तो यहाँ पर भी टच हो रही है, तो इन दोनों को भी नॉन टचिंग लूप नहीं कह सकते, लेकिन इस लूप को और इस लूप को, इन दोनों लूप्स को हम नॉन टचिंग लूप कह सकते हैं, क्योंकि ये वाली नोड इससे रिलेटेड है, ये वाली नोड इससे रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और लूप बना दूँ, यहाँ पर मैं अगर एक और लूप बना दूँ एक्स फाइव करके इस तरीके से, तो ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये दोनों लूप भी नॉन टचिंग लूप्स होंगे। ये अगर मैं इस लूप का और इस लूप का गेन में लिखूं नॉन टचिंग लूप्स का, तो मैं लिखूंगा ए टू टू ए थ्री थ्री। तो ये हमारे सारे बेसिक पैरामीटर्स थे, सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में आगे देखने को मिलेगी। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। एसएफजी अप्लाइज ओनली टू लीनियर सिस्टम्स। अब जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन लीनियर सिस्टम्स का हम निकालते हैं। ब्लॉक डायग्राम की तरह एसएफजी भी यूनिक नहीं होता है किसी एक सिस्टम के लिए। एवरी ब्लॉक डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एसएफजी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है कि हर ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ तो बनाया जा सकता है, लेकिन हर सिग्नल फ्लो ग्राफ का ब्लॉक डायग्राम बन जाए ये जरूरी नहीं है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। और सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर कोई रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता है, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं कि आपको 10 रूल अप्लाई करने हैं, फिर आपको रिड्यूस करना है और फाइनली एक गेन निकालना है। इसके अंदर सिंपली एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली गेन निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी कैसे बनाते हैं ये सीख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है।
देखिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम बेसिक सा मैंने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ले लिया, इससे मैंने SFG यहाँ पर बना रखा है, तो आप इसको अभी मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखो। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको नोड्स देखनी है कि नोड कितनी है। नोड देखने का सिंपल सा तरीका आपको वेरिएबल्स देख लेने हैं। अब यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल हो गया, एक आउटपुट वेरिएबल हो गया और एक आपका समिंग पॉइंट है। ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ये आउटपुट वेरिएबल ही मैं मान रहा हूँ, तो ये सी जो है ये सी यही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, तो आप ये मैं दोबारा से बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमने तीन नोड्स ले ली, एक आर नोड हो गई, एक ई नोड हो गया, एक सी नोड हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास आर से ई के पास एक सिग्नल आया जिसका गेन है 1। इस ब्रांच गेन का, इसका इस सिग्नल का गेन कितना है 1, तो यहाँ पर ये 1। ई से सी के बीच में जो ब्लॉक है इसको मैं गेन की तरह बोलूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्लॉक जो होगा वो आपका ब्रांच का गेन होगा, इसको आप वेरिएबल नहीं मानिएगा, ये ब्रांच का गेन है। तो ये जो ब्लॉक है ये आपका इस ब्रांच का गेन है जी, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है जो हमारा यही है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जा करके ई के पास जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास कुछ इस तरीके का फीडबैक जा रहा है, ये फीडबैक सिग्नल जा रहा है जिसका सिग्नल होगा माइनस प्लस और उसका गेन होगा एच। तो ये चीज आपको क्लियर है, ये ब्लॉक डायग्राम का हमने SFG बना दिया, ये SFG हमने इस ब्लॉक डायग्राम का बना दिया। अब एक चीज यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि सर आपने जो कहा था कि आउटपुट नोड या सिंक नोड जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स आते हैं, वहां से जाता कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर हम सी को देखें तो ये आउटपुट नोड है, ऑब्वियस सी बात है ये आउटपुट नोड होगी, लेकिन सर इसमें तो सिग्नल बाहर भी जा रहा है, इसके अंदर अंदर तो आ ही रहा है लेकिन बाहर भी जा रहा है, तो ये आउटपुट नोड कैसे हो सकती है। तो सर ऐसा होने वाली कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक डमी नोड बना देनी है जिसका आप सी डी कुछ भी नाम दे दो, लेकिन यहाँ का जो ये ब्रांच गेन होगा इसको आप 1 रखना है, हमेशा इसको 1 रखना है, और ये जो डमी नोड होगी ये आपकी फाइनली आउटपुट नोड ये कहलाएगी, अब ये आपकी आउटपुट नोड कहलाएगी और आप इसके रेस्पेक्ट में आप ये इक्वेशन लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि आपने ब्रांच गेन को 1 दिया है। अब अगर ऐसा आपके, मैंने आपको बताया कि ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अब आपको एक ब्लॉक डायग्राम मैं दे रहा हूं यहाँ पर जिसका आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बना करके देखना है। इसका जो आंसर होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, अगर सही नहीं हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें राइट टॉप साइड में एक सर्च बटन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर सर्च करना आपको @ इलेक्ट्रिकल पाठशाला, जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है आपको एग्जैक्टली वही लिखना है, उसमें आपको रिजल्ट्स में अपना चैनल नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो यहाँ मत पूछना क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा।